एक माह पूर्व हुए ब्लाइंड कत्ल का पर्दाफाश कर पुलिस ने 3 अभियुक्तों को जेल भेजा। जनपद लखीमपुर खीरी की कोतवाली सदर इलाके के ग्राम लाहौरी नगर में हुई वीरपाल की हत्या की गुत्थी का पर्दाफाश कर पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने मृतक वीरपाल का मोबाइल, हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड एवं बैटरी चालित स्कूटी को भी बरामद कर लिया। पुलिस अधीक्षक खीरी विजय धुर ने इस ब्लाइंड कत्ल का पर्दाफाश करते हुए बताया कि गत 16 फरवरी को दोनों अभियुक्तों ने महज 500 रुपए के विवाद में नशे में आकर मृतक के सर पर लोहे की रॉड मारकर कत्ल कर दिया था। तीनों गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध सक्षम धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है। दिनांक 16 फरवरी को थाना सदर क्षेत्र अंतर्गत लाहौरी नगर गांव के पास एक शव बरामद हुआ, जिसकी बाद में शिनाख्त वीरपाल चौहान के रूप में हुई। अज्ञात शव की शिनाख्त होने के बाद पीएम हेतु भेजा गया, जहां पर मृत्यु का कारण स्पष्ट रूप से अंकित ना हो पाया। इस संबंध में परिवारजन के द्वारा शक के आधार पर एक मर्डर की तहरीर दी गई, जिसमें थाना सदर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और पुलिस के द्वारा इस ब्लाइंड मर्डर को एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हुए अथक परिश्रम करके 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें प्रमुख रूप से कमलेश कुमार और मृतक के बीच घटना के दिन जुआ खेलने के ऊपर शराब के नशे में आपस में झगड़ा हुआ और कमलेश कुमार द्वारा लोहे की रोड से मार के उनकी हत्या कर दी और बाद में अपने 2 दोस्त रामदर्शन और अंकित, जो कि मौके मौजूद भी थे, उनकी मदद से शव को इनके द्वारा डंप कर दिया गया। इस ब्लाइंड मर्डर को वर्कआउट करने में जो पुलिस टीम ने अपनी भूमिका निभाई है, उसको उत्साहवर्धन हेतु मेरे द्वारा 50,000 रुपए नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आज के समाचार में इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले समाचार के साथ। देखते रहिए BS लाइव।